नंबर दिया जाए और मल्टीप्लाई करने को कहेंगे, चाहे कैलकुलेटर भी दिया जाए तो भी आपको टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों मेरे ट्रिक से नंबर को देखोगे और इस तरह से आप आंसर लिख लोगे। अब देखिए दोस्तों ये दो नंबर भी बहुत बड़े नंबर हैं, कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपली आप इस तरह से आंसर लिख लोगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों ये सब चीज सीखने के लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये ट्रिक कैसे काम कर रहा है। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये दो नंबर 100 के करीब है, करीब है। उसके बाद क्या करूंगा दोस्तों, हमें देखना है कि 8900 से कितना कम है दोस्तों, तो यहां पर -11 लिखूंगा। और 97 दोस्तों 100 से कितना कम है दोस्तों, यहां पर 3 है। कम मतलब दोस्तों माइनस लिखना होता है, क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों यहां पर क्रॉस में माइनस करना होता है, तो 89 माइनस 3 करोगे तो आपको 86 मिलेगा। अगर 97 माइनस 11 करोगे तो भी 86 मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको जो इजी लगे वो आप करना। उसके बाद ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 3 33 हो गया आंसर। अब देखिए दोस्तों इसे भी सॉल्व करके बताता हूं मैं। यहां पर 93, तो 93 100 से कितना कम है, तो यहां पर 7 कम है। कम मतलब क्या होता है दोस्तों, माइनस लिखना होता है। यहां पर 98 100 से कितना कम है दोस्तों, यहां पर 2 कम है। कम मतलब माइनस लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करूंगा दोस्तों, क्रॉस में माइनस करूंगा, तो यहां पर 98 माइनस 7 कीजिए, या फिर दोस्तों 93 माइनस 2 करिए तो यहां पर 91 मिल जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, 7 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 7 2 14 होगा। हो गया आंसर दोस्तों। और नंबर लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सिंपली आप ले लीजिए यहां पर 94 मल्टीप्लाई बाय यहां पर 96, ये नंबर ले लिया मैंने। अब देखिए 94 है तो 100 से कितना कम है दोस्तों, तो यहां पर -6, और ये 96 है तो 100 से कितना कम है, यहां पर 4 कम है। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों क्रॉस में आप माइनस कर लीजिए, तो 96 माइनस 6 करोगे तो आपको 90 मिल जाएगा, 94 माइनस 4 करोगे तो भी आपको 90 मिल जाएगा। ठीक है, जो इजी लगे वो आप करना। उसके बाद 6 4 24, हो गया दोस्तों आंसर। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 100 से ज्यादा नंबर, जैसे कि एग्जांपल यहां पर 102 मल्टीप्लाई 104 होगा तो कैसे करेंगे। उसके बाद मैं ये भी सिखाऊंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर कि समझिए आप कि 92 मल्टीप्लाई बाय 104 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि ये ट्रिक कैसे काम करता है। चलिए दोस्तों आपके लिए टाइप 2 लेके आया हूं दोस्तों। टाइप 2 में मैं आपको सिखाऊंगा कि 100 से जो बड़े नंबर होते हैं उसे कैसे मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो यहां पर दोस्तों 102 दिया है तो आपको देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है, तो यहां पर 2 लिखूंगा, ज्यादा मतलब क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। तो यहां पर 106 दिया है तो कितना ज्यादा है दोस्तों, 6 यहां पर ज्यादा है, तो यहां पर मैं प्लस लिखूंगा। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों क्रॉस में क्या करूंगा, माइनस नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर दोस्तों प्लस है, तो यहां पर क्या करना होगा, क्रॉस में प्लस करना होगा। पिछले वाले सम में क्या था, माइनस था, इसलिए माइनस किया था। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखोगे 102 प्लस 6 कितना होगा, 108 होगा। उसके बाद आप करोगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे 12, और आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर 105 है तो यहां पर कितना ज्यादा है दोस्तों, प्लस 5 ज्यादा है, और यहां पर दोस्तों प्लस 8 ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्रॉस में क्या करोगे, प्लस करोगे क्योंकि यहां पर प्लस दिया है, तो यहां पर 105 प्लस 8 करोगे। अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 108 प्लस 5 करोगे तो यहां पर 113 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को करने से सेम ही आंसर आने वाला है। उसके बाद दोस्तों 58 से क्या करोगे, 40 करोगे, हो गया आपका आंसर। सिंपल दोस्तों। और एक नंबर लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर दोस्तों 106 लिख लिया मैंने और यहां पर 109 लिख लिया। उसके बाद क्या करूंगा मैं कि 106 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों, तो यहां पर प्लस 6 ज्यादा है, यहां पर दोस्तों 109 दोस्तों यहां पर 9 ज्यादा है। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों क्रॉस में मैं प्लस करूंगा, तो यहां पर 106 प्लस 9 करूंगा तो 115 मिलेगा, और 69 से कितना होगा दोस्तों, 54 होगा। हो गया मेरा आंसर। अब दोस्तों आपको बताने वाला लास्ट टाइप इस वीडियो का, टाइप 3। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों आपके लिए टाइप 3 लेके आया दोस्तों। टाइप 3 में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, क्योंकि दोस्तों यहां पर एक बड़ा नंबर दिया, एक छोटा नंबर दिया। जब बड़ा और छोटा नंबर दिया जाए तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखो दोस्तों 101 दोस्तों 100 से कितना ज्यादा है, तो यहां पर प्लस 1 लिख लूंगा, और 96 दोस्तों 100 से कितना कम है, तो यहां पर -4 लिख लूंगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों यहां पर क्रॉस में माइनस करूंगा, और इस क्रॉस के दोस्तों प्लस करूंगा क्योंकि यहां पर प्लस और यहां पर माइनस साइन दिया है, तो यहां पर दोस्तों 96 प्लस 1 करूंगा तो यहां पर 97 मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप 101 माइनस 4 करते हो तो भी आपको 97 मिल जाएगा। तो जो इजी लगे आपको वो आप कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 1 मल्टीप्लाई 4 करके यहां पर 4 मत लिखना, यही चीज सिखाना था, यहीं पे मिस्टेक करते हैं। जब भी बड़ा और छोटा नंबर ऐसा दिया जाए तो आपको क्या करना है, 2 जीरो यहां पर लगाना है। उसके बाद ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 4 1 4, तो यहां पर लिख लेना है। फिर दोस्तों ये दो नंबर को माइनस कर लेना है और आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। अब दोस्तों मैं यहां पर भी आपको करके बताता हूं जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए।
दिया है, यहां पर दोस्तों 98 दिया है, तो 98 100 से कितना कम है दोस्तों, तो यहां पर -2 लिखूंगा, और 103 दोस्तों 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों, तो यहां पर +3 लिखूंगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर 103 को -2 करूंगा और 98 को +3 करूंगा, तो सेम ही आंसर आएगा। तो यहां पर काम करता हूं, 103 -2 करूंगा तो 101 मुझे मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 20 यहां पर लिखना, क्योंकि यहां पर छोटा और बड़ा नंबर दिया है, कभी ऐसा नंबर दिया जाए तो आपको 20 लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों 23 से कितना होगा दोस्तों, यहां पर 6 होगा। अब ये दो नंबर को माइनस करने जा रहा हूं मैं दोस्तों, तो 194 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर लास्ट सम देखिए, ये 102 दिया है, तो 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों, यहां पर +2 ज्यादा है, और 95 दोस्तों 100 से कितना कम है, तो यहां पर -5 लिखूंगा। उसके बाद दोस्तों क्रॉस में प्लस और ये क्रॉस में माइनस करूंगा, तो यहां पर 95 +2 करूंगा तो 97 मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 20 लगाना है और 25 या दोस्तों 10 होगा, तो यहां पर 10 लिख लूंगा, ये दो नंबर को माइनस कर लूंगा, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, 9690 आपका आंसर हो जाएगा।